समस्त नवग्रहों ने अपनी दृष्टि से मुझे इसी ओर आने के लिए प्रेरित किया था। अवश्य यहीं कहीं उनकी मुक्ति का कोई उपाय है। मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा। विभिन्न रंगों के भिन्न रत्नों से क्यों बनी है ये सीढ़ियां? नीलम, पुखराज, माणिक, पन्ना, हीरा, ये सब तो नवग्रहों के ग्रह रत्न हैं। कहीं रावण ने नवग्रहों को उन्हीं के रत्नों में तो बंदी नहीं बना रखा है? ओम त्रयंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम्। तेज प्रभात और प्रचंड प्रकाश से ये शत्रु की दृष्टि हर लेता है। इस पर लक्ष्य साधना अत्यंत कठिन है। हे सूर्यदेव, हमारी सहायता कीजिए। कितने विवश हैं हम, जो यहाँ बंदी बन के कुछ भी कर पाने में असमर्थ हैं। इस बंधन से हमें शीघ्र मुक्त करो संकट मोचन महाबली हनुमान। हनुमान, हनुमान हमें मुक्त कराओ, हनुमान हमें मुक्त कराओ। आप सभी यहां हैं? रावण ने ओम त्रयम् आप सबको यहां बंदी बना रखा है और वहां मेघनाथ की कुंडली पर अपना स्थान परिवर्तित करने में अक्षम आपके प्रतिरूप मात्र हैं, जिसके कारण मेघनाद में दुर्जय शक्ति का संचार हो रहा है। काका विभीषण, आज आपकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई, जो भतीजा बाल्यावस्था में आपके स्नेह का पात्र था, आज उसी की मृत्यु के लिए मेरे परम शत्रु का साथ दे रहे हैं आप। मेघनाथ, मेरे वात्सल्य का पात्र मेरा भतीजा, वो एक निर्दोष अबोध बालक था, परंतु आज जो मेरे समक्ष खड़ा है वो एक अधर्मी राक्षस है, जिसका अंत सुनिश्चित है। अंत मेरा नहीं, मेरे शत्रुओं का होगा काकाश्री। इस वनवासी और आपका अंत होगा आज। त्रयंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनम्। प्रणाम गुरुदेव। अभी मुक्त करूंगा मैं आप सभी को। नहीं, गदा प्रहार किया तो उसकी ध्वनि से रावण का ध्यान इस ओर आकृष्ट हो जाएगा और वो अपनी किसी मायावी शक्ति के प्रभाव से इन्हें पुनः बंदी बना लेगा। रावण ने यदि मेरी गदा देख ली
तो अनर्थ हो जाएगा। कहीं रावण हनुमान की गदा ना देख ले, मुझे शीघ्र ही रावण का ध्यान भटकाना होगा। लंकेश, जो भी कर रहे हो ये उचित नहीं है। मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। शनि देव ने उचित समय पर युक्ति लगाई, अन्यथा इस दुष्ट रावण की दृष्टि मेरी गदा पर पड़ जाती तो अनर्थ हो जाता। कितना भी प्रयास कर लो शनि देव, परंतु मेरी इच्छा के बिना तुम में से एक भी नवग्रह अपने स्थान से हिल भी नहीं सकता। ओम त्रयंबकम यजामहे। देखा वनवासी, यह है मेरी दुर्जय शक्ति, तुम मुझे छू भी नहीं सकोगे और मैं तुम्हें नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। बस मात्र इतनी शक्ति है तुम्हें, जिसका तुम इतना बखान कर रहे थे मेघनाद? नहीं वनवासी, अभी तो तुम केवल मेरी लघु शक्ति के तुच्छ अंश से परिचित हुए हो। मेरा प्राण घातक मां अविनाशक अस्त्र तो मैं अब चलाऊंगा। लक्ष्मण जी, ये तो घातक यमास्त्र है जिसे मेघनाथ ने देवताओं को परास्त करके प्राप्त किया था। ये शत्रु के शरीर से उसके प्राण सोख लेता है। द्रोही काका विभीषण, इस वनवासी के साथ साथ आपके भी प्राण हर लेगा मेरा यह यमास्त्र। और आपकी मृत्यु के पश्चात मैं स्वानर हनुमान का भी अंत करूंगा। हे महादेव, मेघनाद ने लक्ष्मण पर यमास्त्र छोड़कर और भी संकट बढ़ा दिया है। धैर्य और संयम रखे देवराजेंद्र, इन समस्त संकटों का समाधान अतिशीघ्र होगा। मुझे अत्यंत सावधानी से नवग्रहों को मुक्त कराना होगा। क्या करूं, अत्यधिक बल भी नहीं लगा सकता। हे प्रभु, अच्छाई का साथ देने वालों के मार्ग में अनेक कठिनाइयां आती हैं, परंतु जो कठिनाइयों में भी अपना विश्वास नहीं खोते उनकी सभी दुविधाएं दूर भी हो जाती हैं। सदैव के समान मेरे दुविधा के क्षणों में एक बार पुनः मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हनुमान के रोम रोम में, कण कण में प्रभु श्री राम है। तभी तो राम के बिना हनुमान अधूरे हैं, और हनुमान के बिना श्री राम।
अवश्य ही मेरी एकाग्रता को भंग कर मेरे जाप को बाधित करना चाहते हैं ये, जिससे कि इंद्र अपने परम शत्रु मेरे शूरवीर पुत्र मेघनाथ का वध करने में सक्षम हो जाए। परंतु मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं होने दूंगा मैं ऐसा। मुक्त कराने के लिए तुम्हारा धन्यवाद हनुमान। प्रणाम सूर्यदेव। हे सूर्यदेव, हे गुरुवर, मैं तो मात्र प्रभु का सेवक हूं। उनके नाम के ही प्रताप से आपकी मुक्ति हुई है, इसलिए धन्यवाद का पात्र मैं नहीं, स्वयं कृपा सिंधु प्रभु श्री राम हैं। परंतु अधिक समय नहीं है हमारे पास, मैं अन्य सभी नवग्रहों को मुक्त कराता हूं। हाँ हनुमान, रावण ने मेरा स्थान मंगल ग्रह के साथ बदल दिया है और शनिदेव को षष्टम ग्रह में जाने से रोककर उसने मेघनाथ की मृत्यु का योग बनने से भी रोक दिया है। इस कारण मेघनाद का न तो कोई संहार कर सकता है और ना ही उसका सामना। यदि ऐसा है तो मुझे सर्वप्रथम शनि देव और मंगल देव की सहायता करनी चाहिए। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। धूर्त दशानन छल दिखलायो, सब नव ग्रह बंदी बनायो। अंजनी सुत तब युक्ति लगाई, मुक्ति सब बंधक को दिलाई। रावण तनिक भनक न लागे, जय रघुनंदन के अनुरागी। भक्ति कुटिल तापे पड़ी भारी, हनुमत पुनः दिविप दाटारी। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। पुत्र हनुमान, गुरु शुक्राचार्य कभी रावण को ऐसा अधर्म करने की अनुमति कभी नहीं देंगे। तुम्हें उन्हें और राहु केतु को भी मुक्त करना चाहिए, ताकि समस्त नवग्रह अपने अपने उचित स्थान पर आ जाएं और मेघनाथ की मायावी शक्तियां विफल हो जाएं। और जिससे भ्राता लक्ष्मण और महाराज विभीषण पर आए संकट टल जाएं। अब वो राक्षस मेघनाथ लक्ष्मण और विभीषण पर कभी हावी नहीं हो सकेगा। जय शिव शंकर, जय महादेव। मेरे यमास्त्र की कोई काट नहीं, अब कुछ क्षण में ये तुम दोनों के प्राण हर लेगा।
ये यमास्त्र मेरी ओर कैसे लौट रहा है? प्रतीत होता है शनिदेव षष्ठम स्थान में जाने के लिए बढ़ रहे हैं। रावण के हस्तक्षेप से मेघनाथ की मृत्यु का योग टल गया, परंतु अब वो पूर्ण रूप से उत्पन्न होगा। मेरा यमास्त्र मेरा घात नहीं कर सकता। त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। पूर्वारुक्मिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। अजय हूं मैं, अजर हूं मैं, अमर हूं मैं। हे शनिदेव, आप छठे ग्रह में प्रवेश क्यों नहीं कर रहे हैं? हनुमान, मैं अपने स्थान पर तब तक नहीं जा सकता जब तक रावण महामृत्युंजय यज्ञ कर रहा है, कि स्वयं महादेव का अपमान हो जाएगा। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम्। परंतु शनिदेव, इस प्रकार तो मेघनाथ की मृत्यु टल नहीं सकती, अपितु वो भ्राता लक्ष्मण और महाराज विभीषण पर प्राणघाती सिद्ध हो सकता है। प्रतीत होता है राहु केतु पलायन करने की युक्ति में है। हनुमान को रावण द्वारा किए जाने वाले जाप को रोकना ही होगा। हाँ हनुमान, रावण महापापी अवश्य है, परंतु भोलेनाथ का महाभक्त भी है। उसके इसी भक्ति के कारण महादेव के जाप की अवहेलना नहीं कर सकते। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम्। अर्थात मेघनाथ की मृत्यु के लिए रावण द्वारा किया जा रहा महामृत्युंजय जाप रोकना होगा, परंतु प्रभु महादेव को समर्पित महामृत्युंजय जाप को रोकना सर्वथा अनुचित होगा। परंतु इसके अतिरिक्त हमारे पास और क्या उपाय? रावण तो स्वयं रुकने से रहा। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम्। एक देवास्त्र के असफल होने का अर्थ ये नहीं कि सभी देवास्त्र निष्फल हो जाएंगे। मेघनाथ, जिन इंद्रदेव को पराजित कर तुमने इंद्रजीत की उपाधि प्राप्त की थी, आज मैं उनके इंद्रास्त्र से ही तुम्हारा सर्वनाश करूंगा। मेघनाथ, मेरी अपार शक्ति का परिचय पाकर भी इंद्रास्त्र चलाना चाहते हो तुम? तो उसको भी चलाकर देख लो। परंतु यदि मैं सुरक्षित रहा तो मेरा वैष्णवास्त्र तुम्हारा अंत करेगा। तो वनवासी, कोई विकल्प नहीं है। मेघनाथ के वध के लिए रावण का जाप रोकना ही होगा। परंतु मैं देव गुरु बृहस्पति जी से सहमत हूँ, एक अधर्म को रोकने के लिए हम दूसरा अधर्म नहीं कर सकते। बिना अधर्म किए रावण को रोकेंगे हम। प्रभु के नाम का उच्चारण तो अधर्म नहीं है। Thank you.
राम राम राम। अधर्मी कितनी भी पूजा कर ले, किंतु सफलता तो धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति को ही मिलती है।